वेलकम टू वृंदावन हाउस। और ये अभी सो रहे हैं, अभी तक प्रभु जी उठ गए हैं, वो भी हमने उठाया है क्योंकि हम कल महाराज जी के दर्शन करके आए थे। और डे वन इन वृंदावन था। और ये हमारे सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये अभी गंदा और अभी साफ करेंगे मेला सिंह और सभी देख देंगे राधेश। इतनी तेज वाइपर घुमाए कि चक्री घूम गई, वाइपर के नीचे से घूम गया पूरा। तो भैया काम कर लिया है, वाइपर लग गया है, झाड़ू लग गया है और अब हम प्रभु को दिखाते हैं आपको। ये देखो, गुड मॉर्निंग राधे श्याम। तो हमें श्री वृंदावन धाम में और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम भांडीरवन के लिए जा रहे हैं। भांडीरवन में क्या हुआ था प्रभु? प्रिया प्रीतम का विवाह हुआ था जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। आप लोगों को इतने सुंदर दर्शन होंगे आज, इतने सुंदर दर्शन होंगे कि आपने सोची नहीं होगी। चलो जी अपनी यात्रा की शुरुआत हम करेंगे भोले बाबा के दर्शन करने का। श्री जी के पाए राधा वल्लभ लाल राधे श्याम। प्रभु जी के लिए मैं गाना, एक भजन की एक लाइन गाना चाहता हूँ। दौड़ मन की पूरी आनंद में अब ये जीवन मुझको तो अब मिला है, मेरो प्यारो वृंदावन। हुई दौड़ मन की पूरी आनंद में अब ये जीवन। आज के छोटे छोटे बालक, वो बड़े बालक, ये छोटे बालक। अरे काय को मूछ भर है रल है? ये ले। आगे भी देनी है लाला, ये ले बस। चलो आगे भी देनी है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हमारे। अरे हो गई सबके लिए, ला लाली ले। अरे शांत देखो उधर भैया, यहाँ टॉप से पार्टी जा रही है। हम पहुंच चुके हैं भांडीरवन, जहां पर हुआ था राधा कृष्ण का विवाह, ब्रह्मा जी ने करवाया था। और पहले यहां पर बहुत कम लोग आया करते थे, आज की डेट पे बहुत लोग हैं और खूब आनंद आ रहा है। दिव्य दर्शन है और यहां पर एक ऐसे दर्शन है, बहुत मतलब दुर्लभ दर्शन ऐसे हैं कि पूरे ब्रज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं और पूरी यहाँ पर छवि विराजमान है वाली। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरे ब्लॉग में, आप पूरा देखना, पूरा आनंद आ जाएगा आपको देख के। मित्र सितर चंगा सी मंगा सी। तो हम पहुँच गए हैं अभी भैया यहाँ पर दर्शन के लिए। बहुत भीड़ आज, पता है 84 करोड़ की परिक्रमा में लोग निकले हुए हैं ना, तो उस वजह से थोड़ी सी भीड़ आज बहुत ज़्यादा है। देखो पार्किंग कभी पार्किंग के लिए ऐसे नहीं करना पड़ता था, अंदर जाके सीधा लगाते थे गाड़ी, लेकिन अब क्या है पार्किंग के लिए लगाना पड़ रहा है। और अच्छी बात है कि लोगों को पता चल रहा है कि राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है। तो चलो, तो ये वो स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, भांडीरवन। तो आप लोगों को देखो भाई साहब, इतने सुंदर दर्शन होने वाले ना आज कि आपने सोची ही नहीं होगी। ये देखो भैया दर्शन, देख रहे हैं ना ये चीज, ये पूरा ये मंडप का बना था जब विवाह हुआ था। भैया पैसा आ गया मेरे पास, कड़ी चावल आज। ये वो स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था और अभी हमें जबरदस्त प्रसादी मिली है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मंडप दिखाता हूँ, बहुत भीड़ आज मंदिर में।
टेंशन से नहीं। तो यही बात है यही। और दीदी ने कहा, दीदी ने कहा भैया सब चीज थोड़ी खत्म हो गया, क्षमा करना दीदी, क्षमा मेरा का दीदी कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। अब इसको बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे प्रभु, में कहीं लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो? हम जा रहे हैं मानसरोवर कुंड, मानसरोवर दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ पर राधा रानी ने विरहा से वो बना है मानसरोवर, और बहुत ही दिव्य दर्शन है। आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। अभी आपने दर्शन किए राधा कृष्ण विवाह के, जहाँ पर राधा कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। जो लोग इस मिथ्या में भ्रम में रहते हैं कि राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, तो भांडेरन आके देख लें और दर्शन कर लें तो आपके सारे, और अगर ज़्यादा फिर भी ना समझ में आए तो ब्रह्म विवत पुराण या गर्ग संहिता में वर्णन है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको मानसरोवर के दर्शन करवाएंगे। आज गोपाष्टमी भी है, बिठा लो सबको, बिठा लो भैया मैया को। तो गाइस हम पहुंच गए हैं राधा रानी मानसरोवर, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ के, और आप लोग हम दर्शन करवाएंगे, देखते जाना आप, बहुत जबरदस्त दर्शन। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, निताई गौर हरि बोल। ये पहली बार प्रभु जी आ रहे हैं यहाँ पर मानसरोवर, मानसरोवर दर्शन करने, और ये मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। श्री जी बुलाए हैं सबको, मेरी श्यामा बुलाए जिसे, वो लोग निराले हैं, हम क्यों ना गर्व करें, अरे वृंदावन वाले हैं, हम श्यामा जी वाले हैं। राधे श्याम। तो भैया हम लोग अभी मानसरोवर में दर्शन के लिए आए थे। हमारा रास्ता रोक दिया गया है, बादशाह भाई पधार रहे हैं। बादशाह देखो जी, इतने सारे हमारे श्री जी के प्यारे 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 भेड़ बकरियां। अब हम जा रहे हैं पागल बाबा परम पूज्य हमारे, नहीं पहली बार हम जा रहे हैं, पहली बार जा रहा हूँ मैं दर्शन करने यहाँ पर, प्रभु जी पहली बार जा रहे हैं, जबकि हमें कई वर्ष हो गए यहाँ पर आते हुए। अब भीड़ देखो, लेकिन कृपा आज हुई, कृपा आज हुई है, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, माता सुदेवी करें। आपको पता है वहाँ पे एक शिव शक्ति पीठ भी है, ये अभिमन्यु का चक्र। तो हमारा प्लान ऐसी शिव जी चेंज करवाती रहती है। अब हम द्वारकाधीश के लिए जा रहे हैं, हम मथुरा की तरफ आ गए हैं, और आप लोगों को अब द्वारकाधीश के दर्शन करवाएंगे हम पहली बार। पहली बार, दूसरी बार। मुझे की फेवरेट जगह राम लड्डू, श्याम लड्डू, द्वारकाधीश के बोलो, द्वारकाधीश भगवान की। तो हम जा रहे हैं अब वापस श्री वृंदावन धाम के लिए, और हमारी गाड़ी खड़ी है भैया यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर, और ई रिक्शे का मजा ले रहे हैं प्रभु जी हमारे। प्रभु जी कैसा लग रहा है? आनंदमय जीवन, आनंदमय जीवन हो रहा है। यस, जीवन हो और आनंद में ना हो ऐसा हो प्रभु जी। ओके मैन, राधेश। यहाँ की अभी अपकमिंग यात्रा हैं,
वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर ओपन हुआ है मतलब अभी, और यहाँ पे यात्रा होगी सारी, और यहाँ पर है स्टॉल, यहाँ पे सारी भगवद गीता से लेकर जितने भी शास्त्र बुक है सब मिल जाएगी। और यह देखो कितना प्यारा लग रहा है वैसे, इतना प्यारा बना रखा है ना आनंद। राधे श्याम। तो सन 2024 में भैया बुढ़ापे से इनके अंदर आ गए जवानी, अब जवानी में इन पता बुढ़ापा। तो भैया कैसा लग रहा है आपको आनंद? बुढ़ापे में जवानी आके कैसा लग रहा है आपको? आनंद आ रहा खूब। तो कब तक रहेगी ये जवानी? अब तक है जवानी, भाव के, भाव के वर्ड में कुछ बताओ। दिल तो बच्चा है, सही बना रखा वैसे। अभी यहाँ पर न्यू ओपनिंग हुई है, बड़ा अच्छा बना रखा। सात मिनट मतलब 8 मिनट में हम पहुंच गए हैं। सुबह यहीं से हमने शुरुआत की थी भोले बाबा के दर्शन करके, यहां से शुरू करे थे वहीं आगे और शंकर भगवान जय हो। अब यहीं गाड़ी लगा के हम जाएंगे सोने के लिए। राधे श्याम।